हैं कोटा के लाडपुरा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमें सक्षम बनाया है, सांसद बनाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के हर व्यक्ति को जो भी कठिनाई हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, एक नया सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है। हर गांव में 4 से 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम बनाने की आवश्यकता है। पिछली बार में कोरोना के समय मैंने बहुत आग्रह किया कि हर गांव के अंदर कोरोना योद्धा बनाओ। कई गांव के अंदर कोरोना योद्धाओं ने अच्छा काम किया, गांव गांव में जाकर दवा बांटी, अपनी जान जोखिम में डाली, क्योंकि मुझे याद था उस समय कई गांव के अंदर ऑक्सीजन नापने का ऑक्सीमीटर ही नहीं था। तो वह जब तक शहर में आता था, जब तक तो पता चला उसके ऑक्सीजन लेवल ही ऐसा रह गया कि वो जी नहीं सकता। मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई। मैंने कई गांव में पूछा क्या ऑक्सीमीटर है कि साहब ऑक्सीजन मीटर ही कोई न खाए से नापा, बस की सांसा फूट रही है। मैंने कहा सांसें फूट रही मतलब इसका ऑक्सीजन लेवल कम गया। मैंने उसी समय सभी गांव के अंदर 3-3-4 कार्यकर्ता तैयार किए, उनको ऑक्सीमीटर भेजा, थर्मामीटर भेजा, दवा भेजी ताकि उनकी ऑक्सीजन नाप लें, कोई आवश्यकता तो तुरंत दवा दे दें और थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर उसको हॉस्पिटल तक लेने का काम। अगर हम और सिस्टम को ढंग से जमा लें तो बाकी तो भगवान की कृपा रहती है, जब आएगा तो दुनिया में जाएगा सही, लेकिन कई लोगों की जान हम बचा सकते। सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर व्यक्ति को स्वस्थ रखें और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि इस 6 महीने के अंदर अगर आप हर गांव के अंदर कुछ मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम बना दो और हर गांव के अंदर सामूहिक समस्या के अलावा कभी मुझे कोई कार्यकर्ता मिलता है तो नाली पटान रोड बस, इसके अलावा कभी किसी काम के लिए नहीं मिलता। कभी वो निकेता के भाई साहब आप दिल्ली बैठे हो कि कोशिश करो कि हमारी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, अच्छा बीज सोयाबीन का बीज कभी नहीं आएगा तो लास्ट में कहेंगे सोयाबीन का बीज नहीं आया था। कभी भी कोई कमी होगी तो अंतिम दौर में कहेंगे। आप पहले से प्लान करो चीजों। हर गांव के अंदर अगर 5-5, 10-10 कार्यकर्ता भी जिम्मेदारी से काम कर ले तो मेरा विश्वास है कि यह संसदीय क्षेत्र पूरे लोकसभा क्षेत्रों का मार्गदर्शन कर सकता है कि ऐसा हमारा